dear student, class 9 chemistry, class 9 का है chemistry. यहाँ पर हम देखेंगे फर्दर टॉपिक करें solubility of the solute and solvent. सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है. जैसे सॉल्यूशन है तो उसमें दो पार्ट होते सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो वही कह रहे हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी देखेंगे हम लोग यहाँ पे. तो कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर. जो आयनिक कंपाउंड है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है इन पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर. तो जो हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है वो वाटर है लाइक वाटर. उसके बाद एक्सेट्रा कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ एनर्जी चेंज. क्या चेंज? एनर्जी चेंजेस. व्हेन क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड इज प्लेस इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन एंड क्रिस्टल. जो जो एग्जिस्ट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ क्रिस्टल एंड पोलर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो जो हमारा एनर्जी है देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है वो किसके किसके बीच में लगता है? बिटवीन आयन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का पोलर मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. द नेगेटिव आयंस Cl of NaCl, NaCl है हमारा सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम है क्लोरीन है मिलकर बना सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड में जो Cl है वो क्या है? आयन है. और अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव पोल्स. तो क्या करेगा? क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज आता है तो वो पॉजिटिव पोल को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो वही करेगा कि Cl of NaCl आर अट्रैक्टेड बाय अ पॉजिटिव पोल Cl for क्लोरीन. NaCl का जो क्लोरीन आयन होता है वो अट्रैक्ट करता है भाई पॉजिटिव पोल को, जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड द पॉजिटिव आयन Na+. Cl क्या होता है? नेगेटिव आयन होता है, Cl माइनस होता है और Na होता है जो सोडियम होता है वो प्लस होता है बाय द नेगेटिव पोल्स. तो जो हमारा NaCl का Cl है वो क्या करेगा? पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा और जो Na+ है वो नेगेटिव पोल को अटैक करेगा, जैसे ऑक्सीजन एंड ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. जैसे यहाँ पे देखें NaCl है S2 है, सोडियम क्लोराइड है, इसको ब्रेक किए तो Na+ Cl+ एक्वस Na+ Cl+ आयनिक इन सॉल्यूशन. आयन ब्रेक हो गया सोडियम आयन और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयन आपके Na+ हो जाएगा और क्लोरीन आयन हो जाएगा नेगेटिव Cl-. ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है NaCl और इसको हम ब्रेक करेंगे तो जब ब्रेक करेंगे तो Na अलग हो जाएगा Cl अलग हो जाएगा. यहाँ पे प्लस माइनस तो यहाँ पे जो माइनस प्लस है माइनस है तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस है तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे Cl है माइनस पर नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो यह प्लस हो गया तो डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन द वाटर, वाटर में भी सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे द अट्रैक्शन ऑफ द पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑफ द आयन इज नोन एज द सॉल्वेंटेशन या हाइड्रोजन इन केस ऑफ वाटर. जो पोलर सॉल्वेंट का जो अटैचमेंट होता है मॉलिक्यूल आयन से उसको कहते हैं क्या? सॉल्वेंटेशन, या ये बोलते हैं हाइड्रोजन इन केस ऑफ वाटर ऑफ आयन. द सॉल्वेशन प्रोसेस हेल्प टू वेज है. फर्स्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज सॉल्वेंट एनर्जी. सो जो एनर्जी का लार्ज अमाउंट होता है, एनर्जी का जो लार्ज अमाउंट होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रोजन हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट एंड द आयन ऑफ द आयनिक सब्सटेंस. तो क्या होता है? जो हमारा एनर्जी रिलीज होता है वो अट्रैक्शन बिटवीन किसी किसी बीच में होता है? पोलर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट एंड द आयंस ऑफ द आयनिक सब्सटेंस, आयन और आयनिक सब्सटेंस के बीच में होता है. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि सोल्युबिलिटी ऑफ द सोलूट एंड सॉल्वेंट,
जिसके अंदर हम लोग पढ़े ये NaCl क्लोरीन पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे ब्रेक हुआ फिर स्टेटमेंट ऑफ पोलर सॉल्वेंट ठीक है ओके थैंक यू।